स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111 चैनल पर। तो दोस्तों हाजिर हूँ। अभी इस वक्त की करंट एनर्जी आपके पर्सन की क्या है, तो वीडियो को एंड तक आपने देखना है। और रीडिंग जर्नल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थीथा पर आपने ध्यान नहीं देना है। एनर्जीज आपके साथ मैच करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर कुछ मैच नहीं करता है, रेजोनेट नहीं करता है, तो आपने उसी कुछ भी ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिक्स नहीं करना है, राइट। तो जो चीज़ मैच करती है उसको रख लीजिएगा, जो चीज़ मैच नहीं करती है उसको वहीं छोड़ दीजिएगा, ठीक है जी। तो अभी मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, तो लीजिए अपने पर्सन का नाम, ध्यान कीजिए उनका, स्वीट सी स्माइल लिखे आइए। तो देखते हैं क्या एनर्जी है उनकी। यूनिवर्स दीजिए कार्ड्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की। अभी इस वक्त की करंट एनर्जी क्या है। एनर्जीज काफ़ी हैवी है, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, तो फिर हम आज थोड़े से मैसेज भी निकालेंगे और देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। सिक्स ऑफ कप्स आया है, बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हो, डॉग हो सकता है उनके पास, ओके। उनके बेबी हो सकते हैं, फर्स्ट बेबी बेबी बॉय हो सकता है। ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। हो सकता है मेरे कुछ व्यूवर्स किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, जिसके कारण वो अपनी फैमिली के कारण आपको छोड़कर गए हैं, आपसे दूर गए हैं। सॉरी गाइस, लाइट गई हुई है तो थोड़ा सा डिम लगेगा आपको। सेवन ऑफ कप्स आया है, आपके पर्सन आपको कुछ गिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। मैं क्या दूँ, इस रिलेशन में चेंज लेके आना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, सोच रहे हैं मैं ऐसा क्या दूँ कि आप प्रसन्न हो जाओ, ठीक है, आप जल्दी से मान जाओ। बहुत कंफ्यूजन है उनकी लाइफ में, अपने आप को हर्मिट मोड पर रखा है, इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो हो सकता है उनका लव पार्टनर हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, बट वो इस सिचुएशन से बाहर आ नहीं पा रहे हैं। काफ़ी कंफ्यूजन है, अपने ही सवालों में उलझे हुए हैं, सोच रहे हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए तो अच्छा है। आपको जस्टिस देना चाहते हैं, उनके मन पे एक बोझ है जिसको वो उतारना चाहते हैं, सब कुछ सही करना चाहते हैं। जैसे तैसे करके वो आपको जस्टिस देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिसको आप भी रिलीफ होगा, आप भी रिलीफ हो जाओगे और आपके पर्सन खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही जवाब ढूंढते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं, क्योंकि उन्होंने आपको काफ़ी हर्ट किया है, बहुत पेन दी है आपको। इस पेन का एहसास वो कर पा रहे हैं, रात को आपके सपने देखते हैं, सो नहीं पाते हैं, बहुत सोचते हैं, छोटी छोटी बातें आपकी उनको याद आती हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं। मे भी हो सकता है कि अचानक से आपको उनका कॉल मैसेज रिसीव हो जाए, ये आपकी एनर्जी निकल के आई है। तो हो सकता है कि यहाँ पे सिंगल मदर हो सकती हैं जो ये वीडियो देख रही हैं, काफ़ी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत प्यार फील कर रहे हैं। द मैजिशियन आया है, तो आपके साथ वो आपको जाने अनजाने वो आपको सोच सोच कर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि आपको जस्टिस मिले। इस सिचुएशन में बहुत स्टक हैं, निकलना चाहते हैं इस सिचुएशन से। ही लव्स यू वेरी मच, ओके। थीथा पर आपने ध्यान नहीं देना है, ठीक है। वो बहुत प्यार करते हैं, इस समय वो बहुत पेन में है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आप दोनों ही बहुत पेन में हो इस समय, हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी आई थिंक हो सकता है आप मैरिड हो सकते हो, वो सिंगल हो सकते हैं, या आप सिंगल हो वो मैरिड हो सकते हैं, कोई भी इन दोनों में से स्नैरियो हो सकता है आपके रिलेशन में। हर्मिट मोड पे बैठे हैं इस समय आपके पर्सन, अपने आप को बहुत अकेला कर लिया है, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं। हो सकता है कि उनको डिप्रेशन एंजाइटी को वो इस समय फेस कर रहे हैं, हो सकता है कि वो स्मोकिंग या ड्रिंकिंग भी करते हों, टेंशन में हैं, तो हो कई बार होता है कि उसकी ओवरडोज हो जाती है। आपके पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, कुछ सोच रहे हैं, ऑप्शंस हैं उनके सामने,
कुछ रास्ता बना रहे हैं कि मैं कौन सा रास्ता अपनाऊँ आपको, आप तक अप्रोच करने के लिए, कि आपके दिल तक का रास्ता वो ढूंढ रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाए। अचानक से आपको उनका कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, ठीक है, आपको जाने अनजाने मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है मेरे व्यूअर्स जो हैं वो कुछ टेक्निक कर रहे हैं जिसके कारण उनकी जो मैनिफेस्टेशन है वो कंप्लीट होने वाली है। टू ऑफ कप्स है इसके नीचे, यस, आप दोनों का प्यार बहुत प्योर है, आपके पर्सन आपको लेके बहुत सीरियस हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ ऐसा सिचुएशन आया था उनकी लाइफ में जिसके कारण वो आपसे दूर गए, वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अभी वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, बहुत सोच रहे हैं कि इस हार्ट ब्रेक ने उनको भी तोड़ कर रख दिया है जिसके कारण वो एंजाइटी को फेस। हो सकता है इस दौरान रीडिंग देखते हुए मेरे कुछ व्यूवर्स ने ग्रीन कलर डाल के रखा है जो मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ग्रीन या लाइट पिंक कलर का कोई क्लोथ मुझे इस समय रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपके पर्सन आपको कुछ गिफ्ट देने के बारे में भी सोच रहे हैं। अचानक से आपको उनका कॉल मैसेज आ सकता है, ठीक है, तो अभी हम उनके कुछ मैसेज देख लेते हैं कि अगर आपके पर्सन आपको इस समय कुछ मैसेज करते तो क्या मैसेज करते। सॉरी गाइस अगर आपको शोर सुनाई दे रहा है उसके लिए, ठीक है, तो आपने क्या करना है सोचिए अपने पर्सन के बारे में। जब भी आप कोई भी रीडिंग देखते हो तो आपको पॉजिटिव होकर उस रीडिंग को देखना है। चलिए मैं कुछ मैसेज निकालती हूँ और देख लेते हैं उनका हाल दिल इस समय क्या है। वो आपके साथ एक प्रोटेक्शन, एक सिक्योरिटी फील करते हैं जब वो आपके साथ होते हैं। आई लाइक यू, वो आपको बहुत पसंद करते हैं। डेविल कार्ड आया है, आई एम सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू यू, काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं। मे बी रात को जब रात के समय वो आपको जब सोचते हैं तो काफ़ी क्रेव करते हैं, बहुत सोचते हैं। हो सकता है उनको आपका एडिक्शन है। आई वॉन्ट टू हग यू, वो आपको हग करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, आपको अपनी बाहों में लेना चाहते हैं, काफ़ी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। आई ऑब्सेस ओवर यू, वही डेविल कार्ड आया है, तो काफ़ी ऑब्सेशन है उनको आपका, काफ़ी क्रेव करते हैं जब वो आपके बारे में सोचते हैं। मे भी मेरे कुछ व्यूवर्स काफ़ी क्लोज आ गए थे एक दूसरे के, जिसके कारण उन चीज़ों को जब वो सोचते हैं तो दीवानों जैसी उनकी हालत हो जाती है। आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर, वो हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं, वो सिचुएशंस को ठीक करेंगे, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, बहुत बहुत याद करते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं। एट ऑफ वैंड्स आया है, आई वॉन्ट टू कॉल टेक्स्ट यू, वो आपको कॉल मैसेज करेंगे, सडनली आपको उनका कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। वो सब चीज़ों को ठीक कर देंगे जो दोनों के बीच में अभी चल रही हैं। इस सिचुएशन को मैंने पहले ही बोला था कि वो इस सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं, आप उनके लिए बहुत मायने रखते हो। बॉटम ऑफ द डेक है, यू मीन अ लॉट टू मी, आप उनके लिए बहुत बहुत मायने रखते हो। कुछ नेम इनिशियल्स हम देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं निकालेंगे, थोड़े से निकालेंगे, तो देख लेते हैं। आपको ये पसंद आया, थैंक यू सो मच। एंजल्स हैं हमारे साथ अभी इस समय, तो मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, यहाँ रख लेते हैं, फिर हम उनको सेट करते हैं। आर से आपका नाम हो सकता है, आपके पर्सन का नाम हो सकता है, मिस्टर बना है, ओके। एच लेटर ए आया है, सी इससे आपका नाम हो सकता है, आपके पर्सन का नाम हो सकता है। नंबर 7 आया है, क्यू एम्प्रेस कार्ड आया है, तो क्वीन है, ठीक है। नंबर 1 है, 17 एज हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की। लेटर जी आया है, जे आया है, देख लीजिए अगर कोई नाम बनता है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा कीजिए। एल बना है, ओ सॉरी एल आया है, 4 नंबर 4, एन डी जी फिर से आया है, जी से आपका या आपके पर्सन का नाम हो सकता है। नंबर 5 आया है, एच भी इस बार 2 बार आया है, जेड से आपका या आपके पर्सन का नाम हो सकता है। नंबर 5 फिर से आया है, तो आपने इस एनर्जी को क्लेम करना है। कुछ भी नंबर
लेटर, फ़ोन नंबर, गाड़ी का नंबर, उनका बर्थडे, बर्थडे मंथ, कुछ भी अगर आपके साथ मैच करता है तो आपने उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है, इस रीडिंग को क्लेम करना है और बहुत खुश रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।